जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास के निर्देशानुसार तहसील विधिक सेवा समिति बागली द्वारा शनिवार के दिन न्यायालय परिसर बागली में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें न्यायाधीश नरेंद्र कुमार गुप्ता, बार एसोसिएशन अध्यक्ष मुकेश गुर्जर, न्यायाधीश राजीव पंडरे की उपस्थिति में माँ सरस्वती का पूजन कर नेशनल लोक अदालत की शुरुआत की गई। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कई मामलों में आपसी राजीनामे किए गए। वहीं बैंक, विद्युत मंडल और न्यायालय में चल रहे विचाराधीन मामलों में आपसी राजीनामे कराए गए हैं। न्यायाधीश गुप्ता ने बताया कि सभी अधिवक्तागणों के प्रयास से यहां पर बड़ी संख्या में घरेलू हिंसा के मामलों में आपसी राजीनामे कराए गए हैं। इस दौरान न्यायाधीश ने कहा कि नेशनल लोक अदालत का उद्देश्य हर वर्गों को न्याय मिले और इस अभियान का फायदा आमजन को मिले, उसी उद्देश्य को लेकर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। आपको विदित है श्री माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश श्री प्रभात कुमार मिश्रा साहब के निर्देशन में जिला देवास में लोक अदालत के माध्यम से आपसी सहमति से मामलों का निपटारा किया जा रहा है। इसमें विभागीय पीठ निरीक्षण के मामले भी निराकृत किए जा रहे हैं और तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के नाते आज बागली में लोगों में अभूतपूर्व माहौल है। विद्युत के, नगर पालिका के, बैंक के और न्यायालय में समनयुग मामले निपटाए जा रहे हैं। उनमें उनको फायदा ये है कि विद्युत के मामलों में उनको पेनल्टी माफ हो रही है, 10% की छूट दी गई है। इसके साथ साथ चेक बाउंस के मामले में भी समन शुल्क में राहत रहती है और जो भी सांपत्तिक मामले या लेन देन के मामले होते हैं उनमें न्याय शुल्क मुक्त रहती है। आपसी समझौते से किसी मामले का जब निपटारा होता है तो लोक शांति होती है। तो लोक कार्य के लिए, लोक शांति के लिए आज लोक अदालत का कार्यक्रम तहसील बागली में आयोजित हो रहा है। सभी अभिभाषक, प्रशासनिक सभी लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। इसी अपेक्षा के साथ कि हमारा तहसील बागली जो है अधिक से अधिक मामलों को निपटाकर अग्रसर रहे, लोक शांति कायम रहे, इस भावना के साथ आज के कार्यक्रम की सफलता की कामना करता हूँ। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।